Hello everybody, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं Introduction and Classification of Loom and Path of Yarn and Cloth through a Non-Conventional Loom. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लूम्स होती हैं, कन्वेंशनल लूम कौन सी होती हैं, नॉन कन्वेंशनल लूम कौन सी होती हैं, स्पेशल लूम कौन सी होती हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ लूम्स, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि पैसेज ऑफ यार्न एंड क्लोथ थ्रू ए नॉन कन्वेंशनल लूम, कि लूम के किन किन पार्ट से होके यार्न पास होता है और कैसे वो फैब्रिक में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पर फाइनली वाइंड अप होता है. साथ में हम डिस्कस करेंगे कि बीच में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं, वो पार्ट्स कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस करने में लूम की हेल्प करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लूम बेसिकली होती क्या है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है. जिस प्रकार से हमें कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है. उस मशीन का नाम होता है लूम, यानी द मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फैब्रिक इज़ कॉल्ड एज लूम. फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं उसे लूम कहते हैं. लूम कई तरह के मोशंस कैरी आउट करके फैब्रिक को प्रोड्यूस करती है. लूम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मिलकर फैब्रिक प्रोड्यूस करने में लूम की हेल्प करते हैं. लूम की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो लूम बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल लूम, नॉन कन्वेंशनल लूम और स्पेशल लूम्स. तो कन्वेंशनल लूम्स वो लूम्स हैं जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई, सबसे पहले जो लूम बनी उन्हें कन्वेंशनल लूम कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल कन्वेंशनल लूम के टाइप्स, सबसे पहला है हैंडलूम. हैंडलूम जिसे हाथों और पैरों की हेल्प से चलाया जाता है, जिसमें फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हाथों का और पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, उसे हैंडलूम कहा जाता है. यह सबसे पहले इन्वेंट की गई लूम है जिसपे सबसे पहले फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया. इसके अलावा दूसरी जो कन्वेंशनल लूम है उनमें प्लेन लूम, जिसके ऊपर केवल हम प्लेन फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा डोबी लूम, यदि हम हैंडलूम के ऊपर डोबी लगाकर फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो उसे डोबी लूम कहा जाता है. जैकार्ड लूम, हम जैकार्ड भी हैंडलूम के ऊपर यूज़ करके बड़ा डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये कुछ टाइप्स हैं कन्वेंशनल लूम के. कन्वेंशनल लूम्स यानी जो ओल्डर टाइम में या जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई, उन लूम्स को हम कन्वेंशनल लूम्स कहते हैं. सेकेंड टाइप है नॉन कन्वेंशनल लूम्स या ऑटोमेटिक लूम्स. ये लूम्स डेवलपमेंट हैं कन्वेंशनल लूम्स की. जो कन्वेंशनल लूम्स में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके जब हमने नई लूम्स प्रोड्यूस की, उन्हें नॉन कन्वेंशनल लूम कहा जाता है या उन्हें ऑटोमेटिक लूम्स भी कहा जाता है. इन लूम्स के अंदर जो लूम आती हैं या जो मशीन आती हैं उनके नाम हैं मॉडर्न लूम, एयर जेट लूम, वाटर जेट लूम, रेपियर लूम एंड मिसाइल और प्रोजेक्टाइल लूम. ये पांच तरह की लूम्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल लूम्स में कैटेगराइज की जाती हैं. अब बात करते हैं स्पेशल लूम्स की. स्पेशल लूम्स जो स्पेशल टाइप के फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं. तो स्पेशल लूम में हम टेरी लूम, गोज एंड लिनो लूम्स, बॉर्डर लूम्स, शॉर्ट लूम्स, ब्रॉड लूम्स, पाइल लूम्स, इन लूम्स को हम स्पेशल लूम्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन पर हम नॉर्मल फैब्रिक के बजाय एक स्पेशल टाइप का या एक डिफरेंट टाइप का फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल लूम्स कहा जाता है.
तो ये कुछ टाइप्स थे, कुछ क्लासिफिकेशन थी लूम्स की। वैसे ब्रॉडली अगर शटल के बेसिस पे हम लूम को क्लासिफाई करना चाहें तो हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है शटल लूम और दूसरा टाइप है शटल लेस लूम। शटल लूम के अंदर जितने भी हमारी कन्वेंशनल लूम हैं वो आती हैं, क्योंकि इन लूम्स के अंदर वेफ्ट इंसर्शन के लिए हम शटल का यूज़ करते हैं। शटल क्या होती है ये हम जब पाथ ऑफ यार्न डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में तब मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लूम्स के अंदर वेफ्ट को इंसर्ट करने के लिए शटल का यूज़ किया जाता है उन्हें शटल लूम कहते हैं। मोस्टली जो हमारी कन्वेंशनल लूम है वो सारी शटल लूम होती है। शटललेस लूम की अगर बात की जाए तो जितनी भी हमारी मॉडर्न लूम हैं या ऑटोमेटिक लूम हैं वो सारी शटललेस लूम होती हैं। इन लूम्स के अंदर वेफ्ट को इंसर्ट करने के लिए शटल की बजाय किसी और मीडियम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयर जेट लूम में एयर प्रेशर का यूज़ किया जाता है, वाटर जेट लूम में वाटर जेट का यूज़ किया जाता है, रेपियर में एक प्लास्टिक टेप का यूज़ किया जाता है, और मिसाइल या प्रोजेक्टाइल लूम में एक स्टील मेटल प्रोजेक्टाइल का यूज़ किया जाता है। तो इन सारी लूम्स के अंदर शटल के अलावा हम किसी और मीडियम का यूज़ करते हैं वेफ्ट यार्न को लूम के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो ये सारी शटललेस लूम के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लूम के अंदर वीविंग होती है और वीविंग होने से हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। वीविंग प्रोसेस आप सभी जानते हैं, जब वार्प और वेफ्ट यार्न को इंटरलेस किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में, तो उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। तो वीविंग करने के लिए हम जिस लूम का वीविंग करने के लिए हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसे लूम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लूम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ से यार्न फीड होता है, कौन से मोशन कहाँ पर कैरी आउट होते हैं, और कैसे फैब्रिक बन के क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड होता है। तो हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ वार्प यार्न एंड क्लॉथ थ्रू ए लूम। एक लूम में वार्प यार्न और क्लॉथ का जो पाथ है, जिस रास्ते से होकर ये यार्न और क्लॉथ गुजरते हैं, वो सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें पूरी लूम का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया गया है जिसमें लूम के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वीवर्स बीम, जिसके अंदर वार्प यार्न वाइंड किया होता है। इस बीम से यार्न आगे होते हुए लूम के सेंटर पार्ट में वीविंग एरिया में, और वीविंग एरिया से होते हुए फ्रंट पार्ट में होते हुए फैब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीवर्स बीम, वीवर्स बीम क्या होती है? वीवर्स बीम एक बीम होती है जिसके दोनों साइड पर फ्लेंज लगे होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दोनों साइड फ्लेंज और बीच में उसके यार्न वाइंड किया होता है। यार्न बहुत सारे यार्न उसके ऊपर वाइंड किए होते हैं जो फैब्रिक बनाने में हेल्प करते हैं। वार्प यार्न को कैरी करने का काम करती है वार्प बीम, इसे वीवर्स बीम भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे डिज़ाइन के हिसाब से जितने नंबर ऑफ वार्प यार्न रिक्वायर्ड हैं वो वाइंड किए जाते हैं। दोनों साइड में फ्लेंज इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो वार्प यार्न्स को सपोर्ट कर सके, वार्प यार्न डैमेज ना हो और प्रॉपरली अनवाइंड होकर वीविंग में हेल्प कर सके। तो वीवर्स बीम से यार्न अनवाइंड होकर लेट ऑफ मोशन की मदद से आगे जाता है, वहाँ पर बैक रेस्ट है। बैक रेस्ट एक स्टील रोड या मेटल रोड हो सकती है, हैंडलूम के केस में ये वुडन रोड होती है। बैक रेस्ट का काम वार्प यार्न्स को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली वीवर्स बीम से वार्प यार्न वीविंग एरिया के अंदर नहीं आ सकते, तो बैक रेस्ट उसको सपोर्ट करती है आगे फॉरवर्ड होने में और वार्प यार्न में अननेसेसरी टेंशन को रिड्यूस करने में। तो बैक रेस्ट के बाद लीज रोड्स, हमने दो लीज रोड्स यूज की हैं। हम बोल सकते हैं ये बैक लीज रोड, ये फ्रंट लीज रोड। लीज रोड का फंक्शन होता है जो वार्प यार्न हमने वार्प बीम से लिए हैं उनको दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करना, ताकि उनके अंदर फ्रिक्शन को कम किया जा सके और शेड बनने में अलग अलग वार्प यार्न्स का जो रोल है उसको डिसाइड किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, ताकि अच्छे ढंग से हमारा शेड फॉर्मेशन हो सके। तो लीज रोड का फंक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, वार्प यार्न्स को
दो लेयर्स में डिवाइड करना ताकि शेडिंग प्रॉपर ढंग से हो सके। लीज रोड्स के बाद जो वार्प यार्न है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो दो लेयर्स में डिवाइड होते हैं इन दो शाफ्ट की मदद से। ये बैक हील्ड शाफ्ट है, ये फ्रंट हील्ड शाफ्ट है। इन हील्ड शाफ्ट के अंदर हील्ड वायर होती हैं और हील्ड वायर के अंदर हील्ड आई होती है जिसके अंदर से वार्प यार्न को पास किया जाता है। हील्ड शाफ्ट जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह की होती है। इसके अंदर बहुत सारी हील्ड वायर होती हैं। उन हील्ड वायर का काम होता है वार्प यार्न को हील्ड आई में से पास करना। जब हील्ड शाफ्ट अप होती है तो वो अपने साथ जो यार्न उसके अंदर पास किए गए उनको अप करती हैं, और जब डाउन होती है तो अपने साथ उन यार्न्स को डाउन करती है। तो बेसिकली हील्ड शाफ्ट शेडिंग मोशन में हेल्प करती हैं, जो कि प्राइमरी मोशन में पहला मोशन होता है। वीविंग में तीन मोशन होते हैं, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलरी मोशन। प्राइमरी मोशन जो एसेंशियल मोशन होते हैं उसमें सबसे पहला मोशन होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है जो वीवर्स बीम से जो वार्प यार्न आ रहे हैं उनको दो लेयर्स में डिवाइड कर देना। तो जो वार्प यार्न यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक हील्ड शाफ्ट ऊपर, आधे वार्प यार्न्स को एक हील्ड शाफ्ट ऊपर लेके जा रही है, आधे वार्प यार्न को दूसरी हील्ड शाफ्ट नीचे लेके आ रही है, जिससे वार्प यार्न दो लेयर्स में डिवाइड हो रहे हैं और उनके डिवीजन की वजह से ये एक शेड बन रहा है। इसको बोलते हैं शेड। तो ये पहला प्राइमरी मोशन शेडिंग यहां पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये जो हील्ड शाफ्ट हैं इनका, ये एक मेटालिक या वुडन फ्रेम होते हैं जिनके अंदर हील्ड वायर लगी होती हैं, और हील्ड वायर, हर एक हील्ड वायर के अंदर हील्ड आई होती है जिसमें से वार्प यार्न को पास किया जाता है। उसके बाद ये है रीड। रीड एक बेसिकली कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमारे घर पर कॉम्ब होता है। उसके अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे वायर्स होती हैं या टीथ होते हैं जिनका यूज करके हम कंघी करते हैं। उसी प्रकार से रीड, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रीड का डायग्राम, इसके अंदर बहुत सारे डेंट हैं जो मेटल के होते हैं और इनके अंदर से हम वार्प यार्न को पास करते हैं। एक डेंट के अंदर से टू एंड्स पास किए जाते हैं जनरली वीविंग करते समय। तो इस रीड का फंक्शन होता है वार्प यार्न्स को सेपरेट करना, बीटअप में मदद करना। जो रीड है वो वार्प यार्न्स के साथ वेफ्ट यार्न जब इंसर्ट हो जाता है, जब पिकिंग हो जाती है शटल की हेल्प से या किसी दूसरे मीडियम से, जब वेफ्ट इंसर्ट हो जाता है तो जो रीड है वो उस वेफ्ट को क्लोथ फेल पोजिशन तक बीटअप करती है। तो रीड का फंक्शन वार्प यार्न्स को सेपरेट करना, सेपरेट रखना, और वेफ्ट यार्न को बीटअप करना या बीटअप में हेल्प करना रीड का फंक्शन होता है। रीड के ऊपर रीड कैप लगी हुई है और नीचे रीड स्ले के अंदर माउंटेड है, स्ले के अंदर लगी होती है, और रीड ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है स्ले की वजह से। ये स्ले नीचे कनेक्टेड होती है बॉटम शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से इसको मोशन मिलता है, और स्ले जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है तो अपने साथ वो रीड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से बीटअप मोशन होता है। तो इस वीविंग एरिया के अंदर तीन मोशन होते हैं, प्राइमरी मोशन शेडिंग, पिकिंग और बीटअप। शेडिंग में शेड बनता है, पिकिंग में शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक वेफ्ट को लेकर जाती है थ्रू द वार्प यार्न, थ्रू द शेड, और बीटअप में जो लास्ट इंसर्टेड पिक है उसे क्लोथ फेल तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारे फंक्शन इन पार्ट्स की मदद से कैरी आउट किए जाते हैं। बीटअप के बाद हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस हो जाता है। उस फैब्रिक की विड्थ को सपोर्ट करने के लिए, विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हम टेम्पल का यूज करते हैं। दोनों साइड में जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फैब्रिक के बनने के जस्ट बाद लूम के दोनों साइड में टेम्पल लगे होते हैं जो उसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं, फैब्रिक की विड्थ को सपोर्ट करते हैं ताकि उसके अंदर स्क्यूनेस ना आए, फैब्रिक के अंदर जो वार्प और वेफ्ट है वो स्ट्रेट रहे, फैब्रिक डैमेज ना हो। इसके लिए टेम्पल का यूज किया जाता है। टेम्पल के अंदर बेसिकली पिंस के रिंग होते हैं जो उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा सेल्वेज के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं जैसे इसमें दिख रहे हैं, ये डॉट्स टेम्पल की वजह से होते हैं क्योंकि फैब्रिक उसको होल्ड करके रखता है, खींच के रखता है ताकि फैब्रिक स्क्यू ना हो, फैब्रिक खराब ना। तो जैसे ही फैब्रिक, जिस पॉइंट पर फैब्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को क्लोथ फेल पॉइंट कहते हैं। तो ये क्लोथ फेल पॉइंट है, यहां पर हमने टेम्पल लगाए हुए हैं। ये जो एरिया है रीड और क्लोथ फेल के बीच में, यहां पर
शटल मूव करती है इस एरिया के अंदर। ये मैंने जो अभी बनाया है ये शटल है, शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक मूव करती है अक्रॉस द शेड, एक साइड से दूसरी साइड वेफ्ट को ले जाने का काम करती है शटल, शटल लूम के अंदर। शटललेस लूम में हम दूसरे मीडियम को यूज करते हैं। तो ये शटल है, शटल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो हैंडलूम में और जो कन्वेंशनल लूम है उनके अंदर जो शटल यूज की जाती है वो ऐसी होती है। इस शटल के अंदर एक पर्न होता है जो वेफ्ट कैरी करने का काम करता है, पर्न को हमें अलग से वाइंड करना पड़ता है। जब पर्न के अंदर जो वेफ्ट होता है वो शटल की मदद से ट्रांसफर होता है वार्प यार्न के अंदर, जिसकी वजह से इंटरलेसमेंट होती है वार्प और वेफ्ट की। जब शटल खाली, जब पर्न खाली हो जाता है तो हम रिप्लेस करके दूसरा पर्न उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। टेम्पल के बाद फैब्रिक मूव करते हुए आगे आता है, आगे इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रंट रेस्ट है, ये एक रोलर हो सकता है या इस टाइप का मेटालिक पार्ट हो सकता है जो फैब्रिक को सपोर्ट करने का काम करता है ताकि वो अच्छे ढंग से आगे फॉरवर्ड मूव कर सके। क्योंकि अगर डायरेक्टली यहाँ से हम फैब्रिक को रोलर के ऊपर लेके आएंगे तो उसमें खिंचाव आ सकता है, सही ढंग से वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए हम फ्रंट रेस्ट का यूज करते हैं जो फैब्रिक को गाइड करके आगे क्लोथ रोलर तक लेकर आने का काम करती है। फ्रंट रेस्ट के बाद एमरी रोलर है, एमरी रोलर के ऊपर रफ सरफेस होता है, आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं रफ सरफेस स्लिपेज को कम करता है। ये रफ सरफेस फैब्रिक को ग्रिप करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से फैब्रिक स्लिप नहीं होता और फैब्रिक एमरी रोलर से होते हुए टेंशन रोड के ऊपर वाइंड करके क्लोथ रोलर तक पहुंचता है। टेंशन रोड टेंशन को मेंटेन करने का काम करती है, टेंशन रोड के थ्रू होकर फैब्रिक क्लोथ रोलर पर आता है, क्लोथ रोलर फैब्रिक जो हमारा फैब्रिक बन चुका है उसको इसके ऊपर वाइंड करने का काम करता है। तो वार्प यार्न को वार्प बीम से रिलीज करने के लिए, वीवर्स बीम से रिलीज करने के लिए लेट ऑफ मोशन होता है जो वार्प यार्न को रिलीज करता है, और जो फैब्रिक बन चुका है उसको वाइंड करने के लिए टेकअप मोशन होता है जो फैब्रिक को क्लोथ रोलर के ऊपर वाइंड करता है। तो अगर हम सेकेंडरी मोशन की बात करें वीविंग के तो वो होते हैं लेट ऑफ मोशन एंड टेकअप मोशन। लेट ऑफ मोशन का काम होता है यूनिफॉर्म टेंशन के साथ वार्प यार्न को वार्प बीम से वीवर्स बीम से रिलीज करना ताकि वीविंग हो सके, और टेकअप मोशन का काम होता है प्रॉपर यूनिफॉर्म टेंशन के साथ फैब्रिक को क्लोथ रोलर के ऊपर वाइंड करना ताकि सही ढंग से फैब्रिक क्लोथ रोलर के ऊपर वाउंड हो सके। तो ये क्लोथ रोलर है जिसके ऊपर हमारा फैब्रिक वाइंड हो गया है। तो ये सारा आपने देखा कि कैसे यार्न वीवर्स बीम से होते हुए लूम के अलग अलग पार्ट से फैब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट होके क्लोथ रोलर तक वाइंड होता है। तो इस तरीके से यार्न फ्लो करता है और फैब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट्स में हमें वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official, और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।